हेलो इन तरुण सीरीज, आज की इस वीडियो में सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को रूबरू करा दूं दिल्ली के इस पॉल्यूशन के साथ। आप सामने देख पा रहे होंगे, ये कोई फॉग नहीं है, ये धुंध नहीं है, ये एक्चुअल में पॉल्यूशन की परत है जिसकी वजह से दिल्ली आजकल बहुत सफ़र कर रही है। सिर्फ दिल्ली नहीं कर रही, दिल्ली के आसपास के एरिया भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप मास्क यूज़ कर सकते हैं फॉर द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं आज की वीडियो का, जो कि है कि भाई मुझे अपनी रेनो की काइगर के साथ 2000 किलोमीटर का सफ़र मैं पूरा कर चुका हूँ, राइट। पूरा मेरा 2000 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है इसमें। अब यहाँ पे 2000 किलोमीटर में मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्या मुझे प्लस लगा इस गाड़ी का, क्या मुझे माइनस लगा, वो मैं सारा आप लोगों से आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और उसको शेयर करने से पहले मैं दो चार चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस गाड़ी को लेके। खैर वो शेयरिंग के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो मेरे पास है ये RXZ का टर्बो वेरिएंट है, यानी कि टॉप मॉडल है, और ये मैंने मैनुअल लिया था, राइट। और इस गाड़ी को लिए मुझे ऑलमोस्ट महीने से ऊपर हो चुका है, एक महीने से ऊपर हो गया, और महीने के अंदर मेरी 2000 किलोमीटर की रनिंग भी हो चुकी है, क्योंकि मेरी रोज़ की जो रनिंग रहती है इस गाड़ी के साथ दैट इज़ अराउंड 60-70 किलोमीटर। यानी कि अगर आना जाना मैं इंक्लूड करूँ, और मेरा तो आने जाने का सफ़र होता है वो ऐसे रास्ते पे होता है जो आपके सामने है, राइट। यानी कि मोस्टली ऑन हाईवेज या फिर एक्सप्रेसवेज। अभी तो मैं हाईवे पे हूँ तो मेरा मोस्टली ट्रैवल यहाँ रहता है, तो यहाँ मुझे एक प्लस बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पे मैं एवरेज को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आप एवरेज को देख सकते हो, मेरी गाड़ी इस समय 19.3 की एवरेज दे रही है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को इको मोड पे ड्राइव ज़्यादा करता हूँ। जिन लोगों के पास RXZ मॉडल है, चाहे वो टर्बो हो चाहे वो नॉन टर्बो हो, यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल जाती है जो कि ये है इसके तीन अलग अलग ड्राइव मोड्स। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी दो ड्राइव मोड्स पे नहीं चलाता, जो उसका एक नॉर्मल मोड है, एक इको मोड है और एक तीसरा स्पोर्ट्स मोड है। मैं तीनों पे चलाता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द नीड, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको इको मोड पे ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यार लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे इसकी एक माइलेज बहुत अच्छी मिल जाती है। जो इसका नॉर्मल मोड है, मैं ट्राइबर से, जो रेनो की ही दूसरी गाड़ी ट्राइबर है, मैं ट्राइबर से अपग्रेड करके काइगर में आया हूँ। मेरे पास ट्राइबर अभी भी है, काइगर भी है, दोनों गाड़ियाँ मेरे पास है। एक डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो ये है कि जो ट्राइबर का इंजन है वो नेचुरली एस्पिरेंट इंजन है, और जो इसका नॉन टर्बो वेरियंट है काइगर का, वो मोर लेस वो एक ही टाइप का इंजन इसमें डाल रखा है। तो उसमें और ट्राइबर में चलाने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने इसको टर्बो वाला वेरियंट लिया था। दूसरा, जो इसका नॉर्मल मोड है, नॉर्मल मोड में जो पावर आती है, पावर का जो आउटपुट रहता है वो ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप जब देखोगे ना इसका जो नॉर्मल मोड वाले में, जब आप गाड़ी चलाते हो तो नॉर्मल मोड में गाड़ी चलाने में आपको एक चीज़ फील होगी कि भाई इस गाड़ी का जो पावर रिलीज है वो बहुत एक्सट्रीम है, वो विद इन कंट्रोल नहीं है। तो ये एक इसका एक आप प्लस कह लो माइनस कह लो वो चीज़ आ जाती है। तो हाँ, मैं अगर एक्सप्रेस वे पर जा रहा हूँ, राइट, एक्सप्रेस वे, और मुझे पता है कि मुझे 100-200 किलोमीटर कहीं लेफ्ट राइट नहीं लेना है, तब मैं इस गाड़ी को नॉर्मल मोड में चलाने में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और उसमें भी मैं एक चीज़ करता हूँ सिंपल सी, वो चीज़ क्या है, मैं इसका जो ये आप देख रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ पर इसका स्विच दे रखा है, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ 80 के ऊपर या 85 के ऊपर, मैं गाड़ी को फिक्स कर देता हूँ और अपना आराम से गाड़ी एवरेज निकालती हुई चलती है। नॉर्मल में अगर आप इसको 80 प्लस में अगर आप क्रूज़ कंट्रोल करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी एवरेज मिलेगी। अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो 80 पे भी करके अगर रखेंगे तो वहाँ पर आपको बेटर एवरेज मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एज़ फार एज़ अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो ये गाड़ी मुझे बहुत ही अच्छी एवरेज दे रही है। मैं अलग अलग जगह पर ट्रैवल करा है दिल्ली में ही, जैसे ईस्ट दिल्ली की तरफ करा है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरे दिल्ली में ही इनफैक्ट आधा आधा घंटा मैं जैम में भी फंसा हूँ क्योंकि दिवाली आसपास आ रखी है, तो वो भी एक रीज़न है। मुझे इस गाड़ी के ने एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी डिसअपॉइंट नहीं करा। हाँ, एक चीज़ है, देखो काइगर का इंजन थोड़ा लाउड है, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, अगर आप काइगर लेने का सोच रहे हैं तो इसका इंजन थोड़ा लाउड है। द सेम गोज़ फॉर ड्राइवर ऑल्सो, ड्राइवर का भी इंजन थोड़ा लाउड है। ये आप गाड़ी के अंदर बैठते तब भी आपको हल्का सा फील होगा, और अगर आप बाहर खड़े होते हैं फिर तो डेफिनेटली फील होगा ही होगा, काफ़ी लाउड है। जब आप गाड़ी को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो एकदम से लाउड होती ही होती है, राइट। तो ये एक चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखनी होगी। आप बहुत तेज़ चलाएंगे तो गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ करेगा ही करेगा,
ओके, तो 2000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा सबसे प्लस पॉइंट इस गाड़ी के साथ जो है वो इसका एवरेज है. एज यूजुअल जो रेनो की गाड़ियां होती हैं, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो ये गाइगर हो, इनमें ये सस्पेंशन बहुत अच्छा देते हैं, तो सस्पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे कोई इसमें शिकायत नहीं है. इसकी जो राइड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है. इनफैक्ट जो इसका आप टर्बो का या RXZ मॉडल जो है, इसका अगर आप इंटीरियर भी देखते हैं ना, देखो अभी वैसे मेरे जिम बैग्स वगैरह यहाँ रखे हैं, ये मेरा कैमरे का केस यहाँ रखा है, अगर आप इसके इंटीरियर को यहाँ देखते हो, ध्यान दोगे, इंटीरियर अच्छा लगता है. इतना बुरा जैसे कहते ना हार्ड प्लास्टिक, अच्छा ठीक है यार हार्ड प्लास्टिक है तो क्या हुआ, बजट भी तो देखो आप लोग, आपको बजट में इतनी बढ़िया गाड़ी मिल रही है, अंदर से सारे लुक्स है, आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है यार, आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, और आपको इसमें देखो सारे ये डिजिटल इसमें इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं जिसमें डिस्प्ले सारा आ रहा है डिजिटली, राइट. आपको दोनों स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल रहे हैं लेफ्ट टू राइट दोनों जगह पे. राइट वाला जो है ये आपके सामने MID स्क्रीन है, इसके कंट्रोल है, लेफ्ट वाला आपका इंफोटेनमेंट का कंट्रोल है. मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 11 लाख के बजट में या 11.5 या 12 लाख के बजट में अगर आप इसका टर्बो वेरिएंट ले रहे हैं, नॉन टर्बो तो आपको 10 तक के में पड़ जाएगा, वो आपको इतने बढ़िया चीज़ें ऑफर कर रहा है. मेरे हिसाब से तो इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल डील डिपेंडिंग अपॉन द बजट, राइट. ये बहुत ही प्रैक्टिकल डील है अगर आप बजट की बात करते हैं. मेरे हिसाब से मेरा अभी तक का 2000 किलोमीटर का सफ़र इस गाड़ी के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं चाहूँगा कि मेरा आगे का सारा सफ़र इस गाड़ी के साथ अच्छा रहे. मैं ड्राइवर से इतना ज़्यादा इंप्रेस हुआ था रेनो की, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई दूसरी गाड़ी भी रेनो की ही आएगी, और काइगर है इनकी जो इस समय बेस्ट कार है, ड्राइवर भी इनकी बहुत अच्छी गाड़ी है, क्विड इनकी अच्छी गाड़ी है, तो तीनों गाड़ियाँ ड्राइवर रेनो की बहुत अच्छी है. हम मेरे पास का ड्राइवर भी है, और हमारे घर में एक और गाड़ी है वो नेक्सन है, तो आप कह सकते हैं कि नेक्सन और काइगर तो ऑलमोस्ट एक सेगमेंट में आ जाती है. नेक्सन इसकी थोड़ी बड़ी बहन टाइप लगती है मुझे, राइट. तो मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ अभी तक का बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है. आई एक्चुअली एंजॉय ड्राइविंग दिस कार, मुझे बहुत कंफर्टेबल ड्राइव लगती है इसकी. मैं ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, अभी आप जब तक आपके सामने वीडियो बन रही है तो आप देखो मेरी गाड़ी कॉन्स्टेंट 70 के अराउंड ही चली है, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो, राइट. तो उस हिसाब से एवरेज भी अच्छी निकल आती है. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आपका एक्सपीरियंस क्या है इस गाड़ी के साथ अगर आपके पास है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना. और अगर आप इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हो तो मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि पहले सबसे पहले टेस्ट ड्राइव लेना, उस वेरिएंट की टेस्ट ड्राइव लें आप जो लेना चाहते हैं, बेस्ट वही रहेगा, राइट. ताकि आपको एक अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ, मेरी परचेज क्या होने वाली है. तो मेरा एक्सपीरियंस यही था दोस्तों, मुझे बहुत अच्छी लगी थी गाड़ी, और आगे में मैं अपना एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ शेयर करता रहूँगा. और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना. मिलता हूँ अगले वीडियो में, टाटा एंड बाय.